नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग हुई, जिसमें गुना कलेक्टर एवं गुना एसएसपी मौजूद रहे। मीटिंग में मुख्य रूप से हार्ट रोड की यातायात व्यवस्था को लेकर पहल की गई। गुना शहर में सुरक्षित एवं दुर्घटना रहित यातायात व्यवस्था के लिए सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्णय लिए गए। आज फिजिकली सुरक्षा समिति के अंतर्गत हम लोगों ने काफी मुद्दों पर डिस्कशन किया, जिसके अंदर मुख्यतः जो हार्ट रोड पे ठेले वगैरह लगने की वजह से जाम होता है, उसके संबंध में चर्चा की गई। जिन लोगों को हम लोगों ने जगह चिन्हित की गई है, जो पुराना कलेक्ट्रेट है उसका रोड वो चिन्हित किया गया है, वहाँ पे ये ठेलों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। आज और कल के अंदर इनमें व्यवस्था करवाई जाएगी। एक उन्होंने बताया था कि वहाँ पे पानी की समस्या है और दूसरा वहाँ पे समतलीकरण की समस्या है, तो नगर निगम को बता दिया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा कि उसके अंदर जो है वो समतलीकरण भी करवा दिया जाए और पानी की व्यवस्था करवा दिया जाए। सुलभ शौचालय की व्यवस्था पहले से ही है वहाँ पे, ये दो तीन चीज़ें हैं। साथ साथ में पार्किंग की व्यवस्था के लिए बताया गया था कि जो लोग वहाँ पे अगर सब्जी वगैरह लेने आते हैं या फल लेने आते हैं तो वहाँ पे उनकी पार्किंग की समस्या रहती है, तो उसमें भी हम लोगों ने उसे निराकरण करवा दिया है। जो वहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है, ग्राउंड के आगे एक अतिक्रमण थोड़ा बहुत है जहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, उनको हटवा के वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था करवाने के लिए बता दिया गया है। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।